भैया सबको आराम से आके दर्शन कर लिया, समझे, ज्यादा जल्दबाजी न कीने, कैसे सबको दर्शन अभिलाषी आया हुआ है, समझे भैया। भैया अम्मा मुझे उतना खाती वही इतना दर्शन आराम से लिया, कोनो दिक्कत ना समझे। अम्मा तुर्रा वाली काकी का बुला ले, अमहुबा वाली काकी का बुला ले, वहाँ जाए कम से कम गोवर्धन पूजा में कुछ ना कुछ गा दें। बड़े कल हुआ मुझे याद दवाए थे, मैं तो भूला गई रहा हूँ इन्हें, इनका कुछ पता नहीं है कहाँ, देख फोन लगा के बुलाती है ना उनका। अरे महोबा वाली जय माता दी, करू वाली दीदी जय माता दी, जय माता दी, बताओ कसत याद की ना उनका तुम। मैं इसके मारे तुम्हें याद की ना महोबा वाली, कि आज हम पूजा वूजा करवा रहे हैं, पंडित वंडित हवन वन अपन कर रहे हैं, गोवर्धन पूजा है, तो महोबा वाली सिवरी वाली का भैले वाले है वाप, तहूँ शामिल हो जाए भगवान के भजन में। हाँ करबी वाली दीदी, देखा अगर जो सीढ़ी वाली मिली थी तो वह कल वाला उठी हूँ, और नहीं तो मैं अब कह वह को फोन करके बुला उठी हूँ। हाँ महोबाड़ी बैठ लिया। हाँ दीदी आ गई। कलुआ रे, हाँ मैं बता, तोर बप्पा नहीं दिखा रही है कहाँ हम हुई हैं, तो कहे उनके पास पैर रहा कर दिया, अपन काम नहीं कर दिया ही, हुई है जहाँ हुई है वहाँ जी हैं खुद। हाँ ठीक है, चल कड़वी वाली दीदी जय माता दी, जय माता दी, सूरी वाली जय माता दी, कहाँ रही है बेटा, बेटे खाई नहीं पाती रही यही। दिखाई कहाँ पड़े दीदी, काम में रहे मैं थोड़ी व्यस्त ली पे पोते ना, कैसे कारण दिखाई पड़ी, और तुम्हारे महोबा वाली का फोन गा संदेश पहुंचा मुझे, तो मैं कहाँ जाती हूँ गोवर्धन पूजा का, कड़वी वाली दीदी से लगे तो वहाँ चली आई। हाँ ठीक है, आ गई है बाइट पे। हाँ दीदी, तुम्हारे कल हुआ बैठ जाए आराम से, भजन वजन होती तो आराम से सुन बैठ कर। हाँ अम्मा, अम्मा को सुना रहा कहानी वहानी का, पुड़िया पुड़िया गोवर्धन पर्वत के बारे में, एक असत गोबंधर पर्वत आ गया है, मैं बता देता हूँ। कड़ुआ बहु बहन बात पूछिया करबी वाली दीदी से, करबी वाली दीदी बताओ ये गोवर्धन पर्वत कहे के मारे मनाओ जाए थे, त्योहार का कारण कहे मनाओ जाओ करो थे, बताओ करबी वाली दीदी कहे प्यार करती हो। और हरा तुम ना मनिया, मैं तुम्हें कहानी यहाँ बताओ थियो सुना। कभी वाली सूरी वाली, जब भगवान कृष्ण जी का जन्म होगा गोकुल में, तो बराबर पूजा देवी देवता के होत रही, कृष्ण भगवान धीरे 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 बड़े हो गए, जब 15 साल की उम्र में पहुँचे तो वह समय तक कौनो कारण बस वह भूल चूक से इंद्रदेव के पूजा करब भूल गए। अब जब इंद्रदेव के पूजा करब भूल गए गोकुलवासी, तो इंद्रदेव नाराज हो गए, और जब नाराज हो गए तो फिर इतना पानी बरसाएं कि जितना गोकुलवासी रह गया सब पानी से परेशान हो गया। जब पानी से परेशान हो गया तो कृष्ण भगवान देखिन कि हमारे गोकुलवासी सब परेशान हो गए, तो वो गोवर्धन पर्वत को जाके उठा लिया कृष्ण भगवान ने, और पूरे गोकुलवासी उसी गोवर्धन पर्वत के नीचे विश्राम करने लगे। और जब विश्राम करने लग तो इंद्रदेव फिर परेशान, फिर कई बांध तोड़िन, कई पहाड़ फोड़िन इंद्रदेव, बहुत पानी बरसाइन, बहुत अत्यमूटिन, लेकिन कृष्ण भगवान के होते हुए गोकुलवासियों को कुछ भी ना भा, आना कुछ वो कर सकत रहा है इंद्र, समझे महोबा वाली शिवरी वाली। तो तब से यह हमार गोवर्धन त्यौहार मनावा जाने लग, यह दीपावली के एक दिन के बाद भाव करत है, समझा। बड़े कलबी वाली दीदी का पुड़िया सुनाया, अच्छा इतिहास बताया हमें, चोला तर होगा कलबी वाली दीदी। इसके बाद कलबी वाली सूरी वाली का भा कि गोकुलवासी बेचारे हुईन पूरी अपन रात व्यतीत करीन गोवर्धन पर्वत के नीचे, फिर इंद्र का इतना शर्मिंदा महसूस भे कि भगवान कृष्ण वही मजबूर के दिन सामने आऊँ मैं, और फिर इसके बाद भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगिस, माफ़ी मांगे के बाद फिर कृष्ण भगवान वही माफ़ कर दिन, तो वही का जो अंदर मैं रहा इंद्र का वह टूट गया, इसके बाद वो फिर उसी तरीके काम होने लगा। ठीक भैया, हरा जयराम, मेरे अम्मा के गोवर्धन कहानी सुन ली ना, अगर नीक लाग हो तो लाइक जरूर कर देना,
अगर जो बखते नहीं लागो तो सब्सक्राइब कर देना भैया। हर जयराम वीडियो मन नीक लागो तो लाइक कर देना, अजय बहुत नीक लागो तो सब्सक्राइब कर देना। मोरे तरह तनवारी चुगली की सासो नंदो। जय राम, जय श्री राम।